English classes with Mirza Sir. Hello friends, my name is Mirza Dilshad Beg and you are watching English classes with Mirza Sir. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं 10 ऐसे वर्ड्स जो प्रोनंसिएशन में सिमिलर होते हैं, स्पेलिंग्स भी उनकी कई बार सिमिलर होती है, लेकिन उनके मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। होमोनिम्स आर द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन स्पेलिंग्स, समटाइम्स सिमिलर इन प्रोनंसिएशन, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट इन मीनिंग्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं 10 ऐसे शब्दों के जोड़ों को जो हमें कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट रेगिस्तान को कहते हैं। अ डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर वाटर इज एब्सेंट। इसी की तरह दूसरा वर्ड होता है DESERT, डिजर्ट। डिजर्ट खाने के बाद मीठे को कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, पेन, पेन, PAIN, पेन, जिसको बोलते हैं फिजिकल डिस्कम्फर्ट, यानी हमारे शरीर में कहीं भी कोई तकलीफ होती है, कोई दर्द होता है, उसको पेन कहा जाता है। वही दूसरा वर्ड पेन, जो स्पेलिंग इसकी डिफरेंट है, PANE, जिसका मतलब होता है अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि खिड़की में शीशे लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं विंडो पेन। द थर्ड वर्ड इज PUR, जिसको हिंदी में कहते हैं उंडेलना। साथियों, इस वर्ड का सही प्रोनंसिएशन पॉ होता है, पॉ। और वही दूसरी तरफ जिसकी स्पेलिंग है PORE, जिसका मतलब होता है अ माइन्यूट ओपनिंग, यानी शरीर में छोटे छोटे से जो छिद्र होते हैं उसको बोलते हैं पॉ। Completely different in their meanings as well as spelling. The next is bail, BAIL, bail. और दूसरा वर्ड भी आप देखिए BALE, bail. इन दोनों वर्ड्स का प्रोनंसिएशन सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स दोनों ही डिफरेंट हैं। पहले वाले bail का मतलब होता है सिक्योरिटी, यानी जमानत, और दूसरे वर्ड बेल का अर्थ होता है गठरी, अ बंडल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा रेन, REIGN, और नेक्स्ट इसी का वर्ड है रेन, REIN। फिर से एक बार, इन वर्ड्स की स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनका प्रोनंसिएशन सेम है, और इनके मीनिंग होते हैं, फर्स्ट रेन का मतलब होता है टू रूल, शासन करना। वही दूसरा वर्ड जो रेन होता है लगाम, घोड़े की जैसे लगाम कसी जाती है, टू रूल और टू कंट्रोल बाय अ थिन पीस ऑफ लेदर। कैनन, CANON, कैनन। कैनन का मतलब होता है अ रूल और प्रिंसिपल, कोई नियम या सिद्धांत। वहीं इसके साथ दूसरा वर्ड दिया है CANON, इसका प्रोनंसिएशन भी कैनन ही होता है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज है। इसका मीनिंग होता है अ हैवी लार्ज गन, या जिसको हिंदी में हम तोप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज SIEGE, सीज, और साथ में दूसरा वर्ड है सीज, SEIZE। तो इसमें ज और जा का फर्क है, सीज और सीज। सीज का मतलब होता है घेराबंदी करना, वही सीज का अर्थ होता है किसी चीज को जब्त कर लेना, जैसे द पुलिसमैन सीज्ड द कार। नेक्स्ट वर्ड देखिए साथियों, वेल, VALE, वेल, WAIL, वेल। इसका प्रोनंसिएशन भी सिमिलर है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स
दोनों ही डिफरेंट हैं। वेल मीन्स होता है अ स्मॉल वैली, एक छोटी घाटी को बोलते हैं। वही वेल का मतलब होता है विलाप करना, रुदन करना, रोना, या फिर टू बिमोन और टू क्राई। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा डिफाई, डी ई एफ वाई डिफाई, और डी ई आई एफ वाई डी एफ आई। डिफाई का मतलब होता है डिसोबे, किसी की अवज्ञा करना, किसी की बात ना मानना। वहीं डी एफ आई का मतलब होता है टू वर्शिप समबडी एज अ गॉड, किसी को ईश्वर तुल्य बना देना। ए एल टी ए आर ऑल्टर, ए एल टी ई आर ऑल्टर, इन ऑल्टर में प्रोनंसिएशन सिमिलर है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स में आप देख सकते हैं कि ए और ई का फर्क आ रहा है। ऑल्टर मीन्स वेदी, अ होली प्लेस, अ हाईएस्ट प्लेटफॉर्म इन अ रिलीजियस प्लेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेंक्टम सेंक्टोरम। ऑल्टर मीन्स होता है टू चेंज, बदल देना, परिवर्तन कर देना। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह आज हमने 10 ये होमोनिम्स पढ़े। साथियों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।